ठीक है ना भाई? अच्छी है, घर से अच्छी है? नहीं बेहतरीन है। मतलब घर वाली अच्छी नहीं है? नहीं बाकी अच्छी है। अच्छी है ना? घर की बातें हर जगह नहीं करते। अच्छा अच्छा, दिल दुखता है। है भाई? अच्छा है, टेस्टी है। वो पास हो गया भाई। हाँ चलो, वाह जी वाह, बुराक पे आते ही हमारी पार्टी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग जा रहे हैं घारो। घारो में जो है आज हमारी प्लानिंग है एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने की। आज जो है वहाँ के एक रेस्टोरेंट के खाने एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम लोग आ गए हैं शैल के बम पर और ये है शारा फैसल पे। शारा फैसल पहुँचे हम लोग अभी और यहाँ से अब हम सब जमा होंगे। जमा हो के फिर जो है जाएंगे घारो। हमको बताया कि आज हम घारो पे जा रहे हैं रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप वेट कर रहे हैं, दो तीन बंदे और आने बाकी हमारे, दो तीन बंदे आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह जर्नी को स्टार्ट कर देंगे। लीजिए, फाइनली हम लोग पहुँच गए न्यू बराक गार्डन और हमें पूरा हमें 1 घंटा 45 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। आ गए और बहुत ज़बरदस्त सा ये होटल है, चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ड्रोन शॉट भी हम आपसे शेयर किए, सुनने भी और बीच बीच एक शेयर करने वाली आपके साथ हमारे बुराक की जो मोटेल बार है उसकी जो स्पेशल चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे और बना के दिखा। स्पेशली क्या हमारे पास? हमारे पास स्पेशलिटी में लेमन प्रेशर है, उसके अलावा आइस कॉफी है, बहुत सारे शेक्स भी है, लेकिन स्पेशलिटी में हमारा आइस कॉफी और लेमन मिल्क प्रेशर। मज़ा आएगा पीने में जी? और जो मज़ा नहीं आया फिर नहीं, बिल्कुल सर आप कराची ले जाएंगे तो हमें? नहीं सर, आप ट्राई कर लीजिए। रिवर देखने बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा है मेरे ख्याल में। ओके, इसमें हमारी आइसक्रीम और अब क्या डालने लगा जाहिद भाई? अब इसमें डल जाएगी कॉफ़ी। कॉफ़ी जी, आइसक्रीम में कॉफ़ी? कॉफ़ी डल जाएगी, सिंपल कॉफ़ी। ओके, जी जी स्पेशल। अभी हमारे इसके ऊपर आइसक्रीम, ऐसा ही ओके। ये आ गया चॉकलेट का फ्लेवर। वाह जी वाह, बुराक पे आते ही हमारी पार्टी शुरू हो गई। थकन सारी उतर गई भाई, जबरदस्त बेहतरीन। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली हमारा स्टार्टर आ गया। स्टार्टर में जो है 3-4 आइटम डाल दिए। एक तो ये क्या आइटम है भाई? ये नाचोस है। नाचोस, इसके साथ नाचना है जी? ये नाचो दें जी। और ये पापड़ी है, पापड़ी के साथ जो है ऊपर क्रीम है। क्रीम है ना ये? नहीं हाँ, सॉस है अपना। अच्छा अच्छा है, सालसा भी है, नमक वाले टाइप है। अच्छा है, पापड़ी पापड़ी होगी वैसे, इसके एक्चुअल ऐसे होते नहीं है, पता नहीं इन्होंने किस रेसिपी से बनाया, बहरहाल खाने में अच्छे क्रिस्पी हो रहे हैं। ये जो है मेरे घर में गाजर है, गोभी है, हाँ, सही कह रहे हैं भाई। क्या कह रहे हैं? ये शॉर्ट फॉर्म में नमक वाले, जो नमक वाले खाते थे बंगाली से 5 रुपए की, लेकिन यहाँ के नाचोस हो गए, यहाँ के नाचोस हो गए। अच्छी बात है, ट्रैवलिंग करते गए। अच्छा जी, ये आ गई हमारी फिश। फिश थोड़ी है, फिश है, फिश है, फिश के अंदर क्या है? खाके देखो, फिश है, फिश है ये, फिश है ये, फिश है ये, चिकन है। कैसी बनी है? ठीक बेहतरीन है भाई। अच्छी है, घर से अच्छी है? नहीं बेहतरीन है। मतलब घर वाली अच्छी नहीं है? नहीं बाकी अच्छी है। अच्छी है ना? घर की बातें हर जगह नहीं करते। अच्छा अच्छा, दिल दुखता है। अब ये जो ठीक है, बाकी अच्छी है। ठीक बेहतरीन है भाई। और ये आ गया हमारा ढाका चिकन। ढाका चिकन के साथ दिए स्पेशल चटनी है, चिली सॉस। अच्छा व्यूअर्स, एक और आइटम आ गया ये स्टार्टर में, बाकरकानी नान। हम तो समझे कि शायद कोई और ही टाइप होगा, लेकिन ये बहुत कड़क इन्होंने बनाया हुआ है इसको। हमने एक दफा पिंडी में इस तरह का नान खाया था, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। हमने पिंडी में खाया था जी जी, ये हमारा न्यू है यहाँ कराची में, ये कहीं नहीं मिलता। हमने एक दफा पिंडी में ट्राई किया था और वो था मिट्टी के तंदूर बना हुआ था, मिट्टी के तंदूर बना हुआ था, उस तरह का है। टेस्ट देखते खा के लगते हैं वैसा है कि नहीं है। पिंडी में बहुत मशहूर है वो,
अब आगे पिंडी का मशहूर है। अच्छा वो लोग भी जो उसको ना बाकर खानी नानी कहते हैं वही है ना वो, वो पहचान लिया ना हमने आपको सही। जबरदस्त है पिंडी ना जाए यहाँ जाए, बेहतरीन जगह है, बेहतरीन प्लेस है, बेहतरीन खाना है, स्टार्टर बेहतरीन है। अच्छा है जी, खाने में क्या खाया था आपको? हमने सर कढ़ाई खाई है। कढ़ाई मटन कढ़ाई या चिकन? मटन कढ़ाई। आप आए कहाँ से ये बताइए? मीरपुर खास से है। मीरपुर खास? ओहो, यहाँ से मेरे 2 घंटे का रास्ता है। दो से मैं समझता हूँ 3-3.5 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे? इतना दूर से यहाँ पर आए? बेसिकली मैं एनजीओ सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, तो फिर यहीं पर रहना होता है हमारा। हाँ, दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग पे निकल आए। अच्छा, ये वाकई फेमस है जगह? यस, बिल्कुल फेमस है, बहुत फेमस है। में आप बुराक में है तो मतलब कि आप होटलिंग का मजा नहीं। अच्छा, मतलब टट्टा सजावल अगर आप इस एरिया में देखें, अगर आपने खाना अच्छी जगह खाना तो बुराक आना। ऑफ कोर्स, अगर आप मकली में है टट्टा में तो एक प्रोफेशनल आपको यहां पर मार्केट मिलता है। गुड, बेहतरीन था। ओहो, मैं भी सेम ईयर यहाँ एनजीओ में काम करता हूँ। अच्छा, हमारा दोस्त जुल्फकार भाई जो हमें यहाँ लेके आया और हमें टेस्ट करवाया पूरा। जुल्फकार भाई आप कहाँ होते हैं? मैं बेसिकली टट्टा का ही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ही मेरी रिहाइश होती है। हाँ, तो ये सब हम एक टीम काम करते हैं साथ में। सही है, तो ये नई ब्राक होटल हमारे पास एक समझे ठट्टा के तोहफा है। सही है, पहले मेहमान आते थे परेशान होते थे हम कहाँ जाएं, सही बात, ब्लेसिंग नहीं होती थी हमारे पास। सही बात, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक हमारे लिए ब्लेसिंग है जो है ब्राक होटल। तो अब जो भी मेहमान आते हैं मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल मतलब जो है वो आसानी से लेकर आता हूँ और अच्छा माहौल है यहाँ पर सबकी। मेहमान नवाजी ब्राक होटल में होती है? ब्राक होटल में ही होती है। जबरदस्त, और यहाँ का जो खाना है माशाल्लाह बहुत डिलीशियस है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। गुड, और यहाँ पर आते ही हमें मतलब जो है वो एक फीलिंग आ जाती है कि वाकई हम कोई। ये आ गई हमारी स्टार्टर में बीफ बोटी, बीफ अफगानी बोटी है। अच्छा जी, खा के बताते हैं कैसी है। सही सही है, ऐसी होगी ना, मार्केट है बिल्कुल। नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। इस पे जो है ना उन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा है इसको, नमक और काली मिर्च जैसी नाके पे मिलती है हैदराबाद नाके पे, वो टेस्ट नहीं है। एक के बाद एक चीज आती जा रही है। और ये आ गया बुराक का स्पेशल मटन कबाब, इसका मैं आपको रिव्यू देता हूँ ये खाने में कैसा है। ये है भाई पास रोटी को मार दे दी इसने भाई, बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो रहा है और खाने में बहुत लजीज है, यकीन करें बहुत लजीज है। एक के बाद एक आइटम, अब बारी आ गई जी कटाकट की, और ये मटन कटाकट है। खाने में तो यम्मी डिलीशियस लग रहा है भाई, और इसके साथ दिए इन्होंने ये रोगनी नान। मैं आपको खा के रिव्यू देता हूँ कि ये मटन कबाब कैसा है, मटन सॉरी कटाकट कैसा है। मटन कटाकट ये आ गया जी, नान और नान के साथ आ गई कटाकट। सोसो है भाई, सोसो है इसमें जो है। ये देखिए व्यूअर्स, आइटम तो मुझे इसमें मालूम नहीं हमने क्या क्या डाले, और कटाकट का इसमें जो टेस्ट आना चाहिए, कटाकट का टेस्ट आ तो रहा है लेकिन सोसो है भाई, इतना वो नहीं, खास नहीं, स्पेशल नहीं। ये व्यूअर आ गया बीफ डाइट चिली विद चाइनीज राइस। अब चाइनीज राइस के लिए हम हाथ तो नहीं, कोई चम्मच ही यूज़ करेंगे। चम्मच तो हो गया जी खराब, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सब जो है रिव्यू दे रहे हैं, तो हम एक नया चम्मच खोल लेते हैं। पहले मैं आपको देता हूँ ड्राई बीफ चिली का, छोड़ दें इसको जी, चम्मच को छोड़ दें। और ये हमारे पास आ गई, ये अच्छा है भाई, अच्छा है, टेस्टी, पास हो गया। ये उधम है भाई, उधम है ना, चलो भाई, ये 100% पास है। हाँ, मैं ऐसी तो शेफ नहीं बन गई, ये मेरे शेफ बनने की पीछे वजह ये है। आपने थोड़ी बनाया है? मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये तो होटल वालों ने बनाया है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, अच्छा कह रहा हूँ, बाकी अच्छा बनाया, सीरियस। अच्छा टेस्टी है, जबरदस्त। अब आ गई राइस की बारी, राइस ट्राई करके बताते हैं आपको। राइस जो है सिंपल राइस है, मेरे ख्याल में एग फ्राइड राइस है।
एग फ्राइज भी नहीं, एग भी नहीं है, नहीं है एग फ्राइज, एग तो ऊपर रखा है ना, नहीं अंदर भी है। अच्छा हाँ अंदर भी है, ये देखें भैया अंदर भी एग राइस, सही है एग राइस नहीं, एग फ्राइड राइस हो गए ना ये, एग फ्राइड राइस है और ड्राई बीफ चिली है। अगर आपके पास ये आइटम आए या आप ये आइटम मंगाएं तो आप इसके साथ ये जरूर ट्राई करें, आपका जो है बाइट जबरदस्त हो जाएगा, उधर में मजा आ गया, मजा आ गया बेहतरीन। अच्छा व्यूअर्स आ गई हमारे पास फाइनली चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई हमने बेशुमार जगह खाई, हैदराबाद में, कराची में, सरागोट में, जगह जगह हम खा चुके हैं। ये मैं आपको बिल्कुल इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू तो मैं सबका ही दे रहा हूँ, इसका भी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगा कि ये खाने में कैसी है। मुझे लग रहा है इन्होंने जो है लाल मिर्ची में इसको, लाल मिर्ची बनाया ना, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची बनी हुई है, वैसे मुझे पसंद है काली मिर्च वाली, पता नहीं इसका रिव्यू मेरे मुँह से कैसा निकलेगा क्योंकि मैं बेसिकली पसंद करता हूँ काली मिर्ची वाली। और ये इन्होंने हमारे साथ दी है रोटी, ठीक है स्पेशल रोटी है, बिल्कुल स्पेशल है, खा के देखें फिर आप बताइएगा क्या, क्या है, बहुत अच्छी है, खा के देखें, ओह अच्छी है ना, अच्छी है भाई, टेस्टी है। इसको क्या नाम है, पता नहीं नाम क्या है भाई, मसाले वाली रोटी, मसाले वाली रोटी, मसाले वाली रोटी, हमें नहीं पता क्योंकि रिव्यू तो हमें देना चाहिए साथ नान के साथ, बहुत सारी चीजें जो है रिव्यू आपने देना साथ नान के साथ, क्योंकि होटलों पे सादा नान ही होता है, सादे नान के साथ इसका रिव्यू देंगे तो ही मैं सही बता लेगा कि ये कढ़ाई खाने में कैसी है। पूरी फुल गली हुई है जी, गोटी वोटी फुल गली हुई है इसकी, और ये बड़ा सा वाइट इसका बन गया, हाँ हाँ पास है, मजा आ गया आपको, मजा आ गया, चलो अच्छा, ये है हैदराबादी टेस्ट, हैदराबादी टेस्ट, नाके वाला टेस्ट, नाके वाला है, ओहो ये भी होता है, और हैदराबाद वाले क्या बोलेंगे, हैदराबाद ठट्टा सजावल वाले इंटीरियर सिंह वाले उनके लिए क्या पैगाम है, और जरूर ट्राई करें, बेहतरीन है वाकई बेहतरीन है, बिल्कुल जबरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका, और ऐसा लग रहा है जैसे हम नाके पे बैठे हैं, नाके का नाम इसलिए बार बार इसलिए ले रहा हूँ, नाके का खाना बहुत खाया मैंने और वहाँ का टेस्ट मुझे बिल्कुल वहीं का टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन ये जो है कढ़ाई बनी हुई है, वाह जी वाह। और ये व्यूअर्स फाइनली आ गई हमारी अफगानी रोटी, ये तो फिर भी छोटी है, अफगानी नानी तो फिर भी छोटी है, काबुल में मैंने खाई थी जो कम से कम इससे डबल थी वो, और चौड़ी हाँ इससे भी डबल थी वो, इतनी बड़ी रोटी थी, जब वो लेकर आया तो मैं से पूछा था कौन कौन खाएगा, कहने लगा सिर्फ आप ही खाओगे, मैंने कहा मैं नहीं खा सकता भाई मेरे साथ खाओ, बोले नहीं आप मेहमान हो आप खाएंगे, मैं आपको खा के बताता हूँ ये वैसी है कि नहीं है, सिर्फ रोटी खाते हैं पहले, गुड है बेहतरीन टेस्टी है भाई। अच्छा व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं बुराक होटल के मालिक इमरान भाई, इमरान भी कैसे हैं, ठीक है खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं क्या ख्याल आया कि जंगल में लोगों को मंगल कर दिया आपने, बिल्कुल सबसे पहले है? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया। तो ये ठट्टा जो ये एक बहुत पसमंदा इलाका था, सही, तो यहाँ जो टूर के लिए लोग आते थे जैसे किंजर लीग के लिए या शाकिक के लिए या मती में जो बादशाही मस्जिद है, तो उन लोगों को ये सहूलियात मुयसर नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा अरी परी में कोई ऐसा ऐसी कोई अच्छी, अक्सर लोग भी मुझे कहते हैं कि यार इतना दूर दराज आपने इतना इन्वेस्टमेंट रख के क्या सोच किया, तो हमने सिर्फ लोगों की सहूलत के लिए ये सोच रख के ये रेस्टोरेंट का इंकदाद किया कि लोग जो यहाँ टूरिज्म है कि उनको ये सहूलियात मिल सके, आपकी सोच काम कर गई है, हमें तो बहुत मजा आया, यकीन कीजिए बड़ा इंजॉय किया, हमें 2 घंटे से भी और हम लोग यहाँ पर है और एक के ऊपर एक फूड ट्राई कर रहे हैं और यकीन करें एक से बढ़कर एक टेस्ट है, हर चीज़ बेहतरीन हर चीज़ लाजवाब, हमें लग ही नहीं रहा कि हम किसी दूर दराज इलाके में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कराची में ही है, और एक से एक बेहतरीन आइटम एक से एक बेहतरीन चीज़ आपको खाने की मिलेगी, और सबसे बढ़िया बात आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करने आए तो आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना यहाँ पे, फैमिली हाल भी अलग है, अलग है हाँ बिल्कुल, एसी का हॉल है जो फैमिली के लिए हमने बनाया हुआ है, फैमिली वाले भी आ सकते हैं, और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये कराची और ठट्टे के आवाम के लिए जो 13% चार्ज है 13% जो टैक्स है वो हम चार्ज नहीं, अच्छा 13% चार्ज नहीं करते, नहीं नहीं ये तो और बचा तो भी 13% टैक्स भी आपको चार्ज नहीं होगा जो बड़े होटलों में चार्ज होता है। अच्छा कितना टाइम हो गया इस इसको, तो 6 मंथ हो रहे हैं
जो हमारी सोच थी उससे हमें बहुत ज्यादा ही फीडबैक मिला है, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है जी जी। आप बड़े दिल से जो है खाना पकाया, मैंने इंशाल्लाह जैसे कराची में कबाब चीज है या कुलाची है या मिर्ची है या शाहीन चिनवारी है, तो उनसे हमारे पास आइटम भी मजीद है और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कम्प्रोमाइज, बिल्कुल उनकी क्वालिटी के बिल्कुल उनके बिल्कुल बराबर। अच्छा व्यवहार, फाइनली सीजी भी हमारी आ गई, सीजी काफ़ी लेट आई, हमने उसे बोला तो उसने कहा मैं तैयार कर दूंगा और मैं आपको सीजी का थोड़ा सा खा के रिव्यू देता हूँ कि खाने में कैसी है, क्योंकि एंटर होते ही सीधे आप सबसे पहला जो इसका कार्ड का है वो सीजी का ही हुआ है, और इसके साथ ये मसाला है, मसाला ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ। बैठने जी फर्स्ट क्लास, सीजी में टेस्ट है, हमारे घर के करीब मिलती है आजकल, दिल पसंद की बहुत मसल सी थी, ये उससे भी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। कहाँ से व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये मज़ेदार सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत बहुत मज़ा आया, मैं हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, तकरीबन हमें यहाँ बैठे रहे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बैठे रहे, हमें पता ही नहीं चला, यकीन कीजिए बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पे किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।